विषय पर लखनऊ प्रेस क्लब में गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि जनता की भागीदारी, सहयोग और जागरूकता से ही पर्यावरण में बदलाव किया जा सकता है। सरल केयर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। संस्था की प्रेसिडेंट रीता सिंह ने बताया कि इस पर्यावरण कैलेंडर का उद्देश्य यह है कि हमें साल भर पर्यावरण से जुड़े विभिन्न दिवस याद रहे, जिसमें हर साल भर अलग अलग दिनों में पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुद्दों के प्रति सजग रह सके। सरल केयर फाउंडेशन के द्वारा आज आयोजित इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण और उसका संरक्षण और उस पर स्वच्छता का ये आज का विषय है। और सरल केयर फाउंडेशन बराबर इस तरह के सामाजिक कार्य करता रहता है और पहले भी मुझे दो बार कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त। आज का विषय प्रदूषण है। इस समय प्रदूषण और स्वच्छता पर विशेष नगर निगम भी विशेष रूप से ध्यान दे रहा है और प्रदूषण के लिए हम लोग नगर निगम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उस पर उन पर हम पेनल्टी भी लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ देखने को मिलता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में बताएं ताकि लोग हमारे यहाँ जाकर पेनल्टी लगाएं। इस समय हमारे जितने भी जोनल अधिकारी हैं सबकी पॉकेट में आपको इस समय रसीद बुक मिलेगी पेनल्टी वाली, वो बराबर उस पर पेनल्टी। इतने तालाब थे इस शहर में, आप ढूंढिए तो आपको पता ही नहीं लगेगा। एनडीए को पता ही नहीं पता कितने तालाब थे, कितने कब्जे में चले गए।